औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौजूद सामीन उकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहु। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में ज़ख़्म देखने की ताबीर, ज़ख़म देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ख्वाब के अंदर पीप वाला ज़ख़म देखना मालो दौलत में इजाफा होने की निशानी है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सादा ज़ख़म देखता है तो दलील है कि अपने जिस्म के ज़रिए माल कमाएगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स दाहिने हाथ पर ज़ख़म देखता है तो दलील है कि मर्द रिश्तेदार की तरफ से मालो दौलत मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में बाएं हाथ पर ज़ख़म देखता है तो इस बात की दलील है कि औरत रिश्तेदार से माल मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, तरक्की मिलेगी। बाएं पांव पर ज़ख़म देखना, अगर कोई शख्स बाएं पांव पर ज़ख़म देखता है तो दलील है कि ज़रात खेती बाड़ी से माल नफ़ा मिलेगा। अगर कोई भी काम करता है वो शख्स तो उसे नफ़ा हासिल होगा। ख्वाब के अंदर ज़ख़म पर से खून बहता हुआ देखना, दलील है कि कर्ज से दब जाएगा, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी। ऐसे शख्स को सदका और खैरात करना चाहिए। ख्वाब के अंदर पेट पर ज़ख़म देखना, दलील है कि माली नुकसान होगा। ख्वाब में अपने सर पर ज़ख़म देखना, दलील है कि माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान होगा। ऐसे शख्स को सदका, खैरात और इस्तग़फ़ार करना चाहिए क्योंकि सदका आने वाली मुसीबत को वक़्त पर टाल देता है। ख्वाब में अपने सर पर ऐसा ज़ख़म कोई देखता है जिससे खून ना निकले तो दलील है कि यह शख्स शरफ और बेहतरी हासिल करेगा, बुजुर्गी हासिल करेगा। मौज़े सामीनो कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपकी तमाम दिली मुराद पूरी करें। आमीन। अल्लाह पाक आपके हामी और नासिर हों। जज़ाकल्लाह।